जिस तरह से आपने ट्वीट किए हैं और ट्वीट में यूसुफ लकड़ावाला के कुछ फोटोज मंत्रियों के साथ है, कुछ नेताओं के साथ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? आपने संजय राउत को भी सवाल पूछा है। देखिए ऐसा है कि जो संजय राउत ने ट्वीट किया, आरोप लगाए, पहली बात तो संजय राउत को यही नहीं पता है कि क्रेडिट और डेबिट क्या होता है। 80 लाख लिए हैं कि दिए हैं, इसमें प्रश्न है। वो 80 लाख रुपए दिए हुए हैं क्यों? उन्होंने घर खरीदा था यूसुफ लकड़ावाला जो बॉम्बे के बिल्डर है, जहां पे शिवसेना वालों ने आंदोलन किया और जिस जहां पे 150-200 की संख्या में शिवसेना इकट्ठा हुए थे नवनीत राणा के घर के बाहर, वो बिल्डिंग यूसुफ लकड़ावाले ने बनाई थी, जिसके अंदर सातवां माले का फ्लैट रवि राणा ने पिछले 3-4 साल पहले यूसुफ लकड़ावाला से लिए। अब दूसरा सवाल यूसुफ लकड़ावाला का, यूसुफ लकड़ावाला और इजाज लकड़ावाला में अंतर है। संजय राउत छोटी राजनीति करने के चक्कर में किस तरह से उनको नवनीत राणा के ऊपर आरोप लगाने हैं और कहीं ना कहीं उनकी इमेज को डेंट देना है, उन्होंने यूसुफ लकड़ावाला को इजाज लकड़ावाला बना दिया, जबकि यूसुफ लकड़ावाला आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो संजय राउत के खुद के अच्छे दोस्त हैं। वो पवार साहब के दोस्त हैं, वो उद्धव जी के दोस्त हैं, वो राजीव गांधी के जमाने से लेकर, विलास राव जी से लेकर अशोक चौहान तक सबसे उनके अच्छे संबंध, आप भाई जगताप किससे अच्छे संबंध, या कृपा शंकर सिंह जी से अच्छे संबंध, या अहमद पटेल साहब जो आज हमारे बीच में नहीं है, इवन सोनिया गांधी से भी यूसुफ लकड़ावाला जी के अच्छे संबंध। तो आज जिस हिसाब से बॉम्बे के वो रेनाउंड बिल्डर, जो कुछ कारणों से पिछले 2019 में एक उनका केस हुआ था जिसके लिए वो जेल भी गए ईओडब्ल्यू में, तो आज उन्होंने नाम बदल के, लोगों की आइडेंटिटी बदलकर, जब खुद संजय राउत एवर शाइन होटल में जाकर रुकते थे महाबलेश्वर में यूसुफ लकड़ावाला के और उनसे फेवर लेते थे, वो दिन वो भूल गए। तो इस तरह के मरने वाले आदमी पे झूठे आरोप लगाना संजय राउत को बंद करना चाहिए, मेरा स्पष्ट मानना है। आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी एलईडी, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, एलईडी पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल हिंगोली।